मेरे पीछे इस वक्त जो हॉल आपको नज़र आ रहा है, दैट इज़ फेयर हॉल, और इसकी जो तामीर है वो अगस्त 1863 में शुरू हुई थी और इसको 2 साल लगे थे पूरा मुकम्मल होने में, और फिर अक्टूबर 1865 में इसकी बाकायदा तौर पर इनाग्रेशन हुई थी। इसको बेसिकली सर हेनरी बार्टल फ्रेयर के नाम पर रखा गया था, क्योंकि उन्होंने सिंध की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट थी उसको प्रमोट करने में बहुत एक अहम किरदार अदा किया था, और फिर उनको एजाज पेश करने के लिए उन्हीं के नाम पे इस बिल्डिंग का नाम रख दिया गया था, विच इज़ फ्रेयर हॉल। उस दौर में सिंध की डेवलपमेंट के लिए सर हेनरी बार्टल फ्रेयर ने बहुत ही अहम किरदार अदा किया था। उन्हीं के दौर में पहली म्यूनसिपल पार्टी जो है वो बनी थी, और पहली जो रेलवे लाइन है उसका आगाज़ भी उन्हीं के दौर में हुआ था। उस दौर में फारसी रस्मुलखत जो है उसका इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन उन्होंने एक तो सिंधी जो ज़ुबान है उसको एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि ऑफिशियल ज़ुबान उसको वो कंसिडर किया, साथ ही साथ जितने भी यूरोपियन अहलकार थे उनसे उन्होंने कहा कि आपने सिंधी ज़ुबान को सीखना है और उसके जो इम्तहानात हैं वो भी देने हैं। और उसके बाद क्या हुआ कि पर्शियन जो ख़तों किताबत है उसको चेंज करके उन्होंने सिंधी ख़तों किताबत में कर दिया। उसके साथ साथ यहाँ पे सिंध में बहुत सारे उन्होंने सिंधी ज़ुबान के जो स्कूल्स हैं वो भी तामीर कराए, उसके साथ साथ सिंधी ज़ुबान में बहुत सारी किताबें जो हैं वो भी उन्होंने तैयार कराई, और इसी के साथ कराची की जो सबसे पहली लाइब्रेरी थी वो जो पब्लिक लाइब्रेरी वो भी उन्हीं के दौर में बनी थी, और जो पहला अंग्रेज़ी स्कूल था वो भी इन्हीं के दौर में बना था। हॉल को डिज़ाइन कराने के लिए 12 आर्किटेक्ट्स का इंतखाब किया गया, और उनमें से एक आर्किटेक्ट को चूज़ किया गया जिनका नाम था हेनरी सेंट क्लेयर विल्किंस, और फिर उन्होंने इतनी खूबसूरत से बिल्डिंग को डिज़ाइन किया। अच्छा, इसमें जो पत्थर इस्तेमाल किया गया इस बिल्डिंग को बनाने के लिए वो लाल रंग का और जर्द रंग का पत्थर इस्तेमाल किया गया। इनफैक्ट आपको पीछे नज़र भी आ रहा होगा, जर्द रंग का जो पत्थर है उसका इस्तेमाल, वो पत्थरों का इस्तेमाल स्पेसिफिकली इन दोनों का इसलिए किया गया ताकि बाकायदा तौर पर बाद में उसको कलर ना करना पड़े, और जब भी पानी से इसको साफ़ किया जाता है या धोया जाता है तो बिल्कुल ये निखर के अपने एक साफ़ सुथरे और जो असली वाला एक जो कलर है उसमें निकल आता है। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, एंड इट्स ऑल्सो बीइंग कॉल्ड एज सिटी ऑफ लाइट्स। इसे मिनी पाकिस्तान भी कहा जाता है। पाकिस्तान का ये बड़ा शहर समंदर के साहिल पर वाक़ है और अपनी बहुत सी चीज़ों की वजह से मशहूर है। पाकिस्तान की सबसे ऊंची इमारतें भी आपको इसी शहर में मिलती हैं। इसका तर्ज ज़िंदगी, सकाफत, कौमी विरसा, तारीख, फन तामीर और मुख्तलिफ रस्म व रवाज वो चीज़ें हैं जिन्होंने लोगों को इस शहर से मोहब्बत करने पे मजबूर किया है। आपको इस शहर में मुख्तलिफ पस मंज़र, मज़हब, ज़ात, नस्ल और ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मिलेंगे, और यही वजह है कि ये शहर अपनी डाइवर्सिटी की वजह से मशहूर है।